अब जम्मू कश्मीर यात्रियों को कोरोना टेस्ट अनिवार्य, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाकर की 30,000। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सज्जन नेटवर्क में आज के चर्चित विषय के साथ। जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सभी 20 जिलों में रैपिड और आरटीपीसीआर टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। प्रदेश में प्रतिदिन कोविड टेस्टिंग की क्षमता 30,000 तक कर दी गई है, जो पहले 20 से 25,000 के बीच थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगामी दिनों में 5 से 6,000 और कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिक संक्रमण का प्रसार करने वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें संक्रमित मामलों के संपर्क मामलों को ढूंढने के लिए काम तेज किया जाएगा, ताकि वायरस का सीमित प्रसार हो सके। राजधानी श्रीनगर और जम्मू में टेस्टिंग पर अधिक जोर दिया गया है। जम्मू में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग को सुनिश्चित बनाया गया है। इसमें रेलवे स्टेशन जम्मू पर 32 और एयरपोर्ट पर 18 टीमों का रोटेशन स्तर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 18 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें कई नई टीमों को लगाया गया है। इसके लिए ISM से भी स्टाफ को लिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी सिंह ने बताया कि कोविड टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। जम्मू जिले में टेस्टिंग क्षमता 6 से 7,000 तक पहुंच गई है, जो पहले 4 से 5,000 की थी। गत दिवस 7,400 टेस्ट किए गए, जिसमें 1,400 आरटीपीसीआर और बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुलू ने बताया कि जम्मू में अगले कुछ दिनों में 35 से 40,000 प्रतिदिन कोविड टेस्टिंग क्षमता करने की योजना है। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इसी के साथ मैं कोमल बुलाकर लेती हूं आपसे इजाजत। जय हिंद।